दोस्तों आदि पुरुष के ट्रेलर रिलीज होने से पहले इस ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग हैदराबाद में रखी गई थी, जिसके अंदर इस मूवी की पूरी स्टार कास्ट से लेकर प्रभास के फैंस और कई सारे मीडिया ग्रुप्स ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग में अपनी उपस्थिति दायर की और स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान जय श्री राम के कई सारे नारे लगाते हुए फैंस दिखाई दिए। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी की ट्रेलर को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हो गया जिससे इसके मेकर्स की नींदें उड़ गई है। दरअसल आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही लीक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज 9 मई को 1:53 पर आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज होना है। लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आदि पुरुष का ट्रेलर लीक हो गया है। ट्विटर पर एक शख्स ने आदि पुरुष के इस ट्रेलर के वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में आप आदि पुरुष के ट्रेलर को देख सकते हैं। तकरीबन 2:14 के इस वीडियो में आपको आदि पुरुष फिल्म की इस पूरी स्टार कास्ट की झलक देखने को मिल जाएगी। लेकिन रिलीज से पहले आदि पुरुष के ट्रेलर का इस तरीके से लीक हो जाना यकीनन मेकर्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी कोई वीडियो सामने आता है तो भारी तादाद में लोग उसे देख लेते हैं। हालांकि आदि पुरुष के ट्रेलर को शेयर करने वाले शख्स ने भी इस मूवी के लिए तारीफ ही की है और बताया है कि ये मूवी 200 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। दोस्तों 9 मई को डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज किया जाना है। इसके बाद ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें दोस्तों, जैसे इस मूवी का टीजर रिलीज किया गया था, ये मूवी बहुत ज्यादा विवादों में आ गई थी। अब इसका ट्रेलर ही बताएगा कि इस मूवी का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रेलर कैसा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी फाइल्स को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बरसाइए।